हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है दुर्गाष्टमी, आज नवरात्रि का आठवां दिन है। सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ है अब नवरात्रि खेलने जाने का, और नवरात्रि खेल खेल के तो क्या थके हैं, यानी पूरा रेस्ट मिल ही नहीं रहा है, क्या पैर दुख रहे हैं गजब के। कल रात को हम नवरात्रि खेल के आए 1:30 बजे, और सोते सोते फिर बज गई 2 से 2:30, और नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है। और यहाँ पर अभी नहा लिया है मैंने, और आज माता जी का कलर भी कुछ ग्रीन है, तो मैंने सूट भी आज ग्रीन कलर का पहना है। चलो मैंने कहा एक दिन तो कलर सेम पहनूँ। शायद कि एक दो दिन शुरुआत में पहने थे, फिर काम काम के चक्कर में दुकान पर मैंने सफाई छेड़ दी थी, तो कपड़े पहन नहीं पाई थी फिर अच्छे वाले, क्योंकि पुराने पहन के जाते थे, सफाई करनी थी। और यहाँ पे मैंने मेरा स्किन केयर कर दिया। अभी तो टाइम टू टाइम मैं मेरा स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद अच्छे से आ नहीं रही है। सो नींद पूरी नहीं होने की वजह से और स्ट्रेस की वजह से बम्प्स और पिम्पल्स फेस पर निकल सकते हैं, बट फिंगर क्रॉस्ड टच वुड कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ये चेयर मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है, रोज़ मैं बैठ के इसी के ऊपर मेकअप करती हूँ, और इसी के ऊपर मैं मेरा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सही जगह पर पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के बीच में ये चेयर ही रहती थी, इस चेयर को ही लेके मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, मस्त तैयार हो जाती हूँ, फिर यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे वहाँ पर ऐसे चुकू दिख रहे हैं, नहीं दिखाऊँगी। तो आज दुर्गाष्टमी के दिन आज हम सब जनों ने डिसाइड किया है कि हम काठियावाड़ी पहनेंगे। तो मैंने जस्ट अभी अनु को फ़ोन किया, अंजलि को, मेरी फ्रेंड को, कि तू बुक करवा के मुझे कैसे भी करके भिजवा देना, क्योंकि सबने मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बुक करवा देना बुक करवा देना। तो आ जाए टाइम से तो सही है, क्योंकि वो भी उसके पास भी गाड़ी नहीं है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। बाल बना देती हूँ, बाल कल रात से बनाए नहीं है, ऐसे कैसे आके सो गई थी, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा गुच्छे हो गए होंगे। थोड़ा सीरम लगाती हूँ कि धीरे धीरे सुल जाती हूँ, नहीं तो फूट जाएंगे बाल पूरे, क्योंकि खेलते हैं ना तो पसीने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा उलझते और खुले भी थे बाल, सबसे बड़ी गलती ये है। आज तो सोच रही हूँ थोड़े बांध दूँगी ताकि उससे गुच्छे नहीं हो। ये देखो ना, उंगलियाँ तो जा ही नहीं रही है। परवा चल, मेरा बुक करा दिया, ये बड़ी बात है। अरे और कल टाइम से भिजवा देना वाली। मैं निकल रही हूँ शॉप के लिए, क्योंकि मेरा आज उपवास है, तो मुझे खाना था नहीं, जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, आज तो जल्दी जल्दी जाना है मुझे। थक गई मैं, आज मेरे उपवास है और तुम मुझे पैदल पैदल बुलवा रही हो, तो क्या आज अष्टमी है, आज के दिन उपवास रहेगा। मैंने कहा भाई झूठे, मेरे को बदनाम कर रहे हो मेरे चैनल पर। धूप है ना बहुत, खाना तुम्हारा बना के रख दिया है, ठीक है जाके खा लेना। आप में से कौन कौन करता है उपवास या फिर व्रत मुझे बताओ यार, पर मज़ा भी आता है। हाँ, शाम को बिगर खाए पिए जाना मस्त, पर क्या पता कहाँ से एनर्जी आती है इतनी गरबा खेलने की। बाकी नहीं तो एक यानी दोनों टाइम में से एक टाइम भी खाना नहीं मिला हालत टाइट हो जाती, पर व्रत करते तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तुम्हारा उपवास है ना? तो ये उपवास ऐसे होता है, सब लोग जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा बहुत खाना बनता ही है ना। सब जने 1:30 बजे खेल खेल के आए, सब जने थक चुके हैं, रोशनी भी नहीं आई है, नेहा भी नहीं आई है अभी तक, और यश और भाभी आए हैं। भाभी को थोड़ा काम था, इन्होंने सरप्राइज़ कर दिया मुझे, थोड़ा काम किया है अभी, और बाहर चलते हैं, अब कौन कौन आया देखते हैं। भाभी जा रहे हैं, आए तब तो बताया नहीं है, जा रहे तब। अरे आए तब बोला आपने, मैं आ रही हूँ, सरप्राइज दिया, फिर मैं तो अंदर बैठी हुई थी। ये यहाँ पे लच्छू इसलिए, और दोनों ने मैचिंग शर्ट पहने, ले तो सबसे लेते ही हो, दोनों ने मैचिंग शर्ट पहना है, सेम सेम सेम। ये देख मैंने अभी नया लगाया, अभी क्या है, इट्स स्लीप ट्रैवल। टिप्पा दो बोतल, परफ्यूम दे नहीं दे दिया। फाइनली लहंगा अब बस में रखवा दिया है हनी ने, क्योंकि हनी चला गया था कोचिंग, इसे सारा का सब कुछ मैस हो गया था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब घंटे भर में आ जाए तो अच्छा है लहंगा, क्योंकि आपको पता ही है ना उदयपुर से जब मैं आ रही थी तब मैंने आपको ट्रैफिक बताया था कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है 1.5 घंटे का, तो
और अभी 5:30 तो हो चुकी है, बस सब लहंगा आ जाए और अभी हम नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे अभी रोशनी के में बाल अभी होंगे कर्ल्स, क्योंकि वो चाहती है कि आज थोड़ा अलग लुक मिले। वो हर टाइम पे स्ट्रेट करके जाती है तो उसको पसंद नहीं है। मैं भी थोड़ा आज क्रिम्पिंग करने का सोच रही हूँ, देखो कैसा लगता है। अभी इसके एक बार कर्ल्स कर लेते हैं बाल। मैगी कर्ल्स तो फिर रहने दी और फाइनली फिर स्ट्रेट ही हुए, क्योंकि इसके ऊपर मैगी कर्ल्स इसको अच्छे लग ही नहीं रहे थे। और अभी मेरा लहंगा भी आने वाला है और 7 बज चुके हैं, आज उपवास है घर जाके। अब थोड़ा शेगर वगैरह बनाती हूँ, भूख लग रही है क्योंकि कल भी मेरा व्रत था। कल भी क्या, अभी तो व्रत ही चल रहे हैं इसलिए हर पूरा टाइम भूखे रहते हैं। अब घर जाके कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर खेलने जाना है इसलिए। और अभी मेरे लहंगे भी आने वाला है, घर जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, लहंगे पहनूंगी, फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। पूरा मेरे को आधा घंटा वेट कर रहा है। अच्छा जी, इतना लहंगे आ चुके हैं हमारे गरबा के। तो एक लहंगा इसमें याची बबीता है और एक मेरा है, मेरा वॉल है दाग वाला। अब इसके ऊपर सारी एसेसरी है वो निकाल दी है, तो अब सब अलग अलग कर देती हूँ, फिर तैयारी जाने की करते। लहंगा तो मस्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर मैं मस्ती से बैठी हुई हूँ, बस फलहार बन रहा है, फिर खा के फिर तैयार होने बैठूँगी। पर ये तो चेक किया ही नहीं कि ब्लाउज जो है वो मेरा लूज़ है या फिर टाइट है, जो भी हो करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल इतना ब्लाउज लूज है कि दूसरी रोमा अंदर आ जाए। तो ये सारा अभी बैठ के हाथों से स्टिच कर रही हूँ, स्टिच करने के लिए बैठी हूँ तो हाथों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टाइट कर देती हूँ, क्योंकि हाथों वाले ताकि अब मेरे पास मशीन है पर अंदर अच्छा रख दिया है मम्मी ने, वो भी निकालूंगी बहुत रफ्फत हो जाएगी और मेरे को इतना प्रॉपरली चलाने भी नहीं आता है मशीन, इसलिए तभी थोड़ा फिटिंग कर देती हूँ फिर रेडी होने के लिए। फाइनली हमारा लहंगा ब्लाउज टाइट किया पर वो आधा अधूरा, थोड़ा सा वापस से फिटिंग करनी पड़ रही है तो वापस से थोड़ा खोल दिया है। और यहाँ पर मेरे साबुदाने की खिचड़ी बन गई है जो कि मम्मी ने बनाई है, और अब खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई है, सुबह तक कुछ खाया नहीं है इसलिए। चिकू भी आज खाने में यही ले रहे हैं साथ में। हे हाय कर दो ना, अभी खाना खा लेती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी, सबसे ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अभी 11 बज गई है, हम 11 बजे से खेलने जा रहे हैं। तो कंप्लीट रेडी, अब बाहर चलती हूँ याची भाभी के पास, याची भाभी वेट कर रहे हैं। हाँ ये तो ऐसे होगा, याची भाभी को बोलती हूँ कि वह डबल डबल। Oh,
फोन रख ले तो, ए फोन रख ले तो, ए फोन जेब में रखने दे। आज इनको देखोगे इनके जोड़े के साथ हमें तो फोन करना पड़ेगा। कौन आधार कार्ड दिखा करके प्रमाणीकरण के सर्टिफिकेट के साथ आकर के ले जाओ कि मेरा। मस्त लोग बैठ के आइसक्रीम का मजा। भगवान ऋषभदेव की नगरी में शिव के उपासक मेरे साथियों और उनकी धर्म पत्नियों का एक ग्रुप है, शिव पार्वती ग्रुप, उनकी ओर से कल भी आपको। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर पे, गरबा खेल के आइसक्रीम तो हमने ली नहीं ली क्योंकि ठंडा भी हो गया था मौसम, तो कहीं खा लेंगे सर्दी हो जाएगी यूँ करके। और यहाँ पे तो मस्त चिकू ने तो पूरी मूवीज़ की सीरीज़ निकाल दी है, मस्त देख ही रहे हैं एक 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 मूवी। और आज तो अमन भैया खेल रहे हैं इसलिए चिकू को मैंने कहा है कि अमन भैया भी खेलें, आप भी, मैं वीडियो बताती हूँ प्रूफ करती हूँ। इन्होंने मेरे को कहा था अगर अमन भैया खेलेंगे तो कल से मैं भी खेलूँगा। नो बेबी आपने ऐसे नहीं बोला था। अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और कल नवरात्रि का लास्ट डे है, बहुत दुख हो रहा है मुझे से खेल खेल के आते ये दिनों की पूरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, पर इन दोनों का मज़ा ही कुछ और है बस।